हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एमपी कांस्टेबल मध्य प्रदेश की जो पुलिस परीक्षा होती है कांस्टेबल की, उसका 31 अगस्त 2017 का 3 बजे वाली जो सेकंड शिफ्ट थी उसका पेपर है। और ये 22वीं वीडियो है हमारी, हमने इसके पहले 21 वीडियो कवर कर दी है, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। ये सारी वीडियोज आप देख सकते हैं, इसका सभी का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां आप एसआई के लिए हिंदी की वीडियोस भी देख सकते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि मैंने अब एमपी एसआई का पेपर बंद कर दिया है, हालांकि मैंने उसके 4-5 पेपर करवाए हैं। अब मैं उसका रीजन बताता हूं, उसको बंद क्यों किया मैंने। देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि एमपी एसआई का जो मैथ्स है ना, बिल्कुल वो बच्चों वाला मैथ्स है, मतलब इतना ईजी मैथ्स है कि उससे टफ तो ये एमपी पुलिस का मैथ्स है। मतलब तो मैंने ये सोचा था कि उसमें थोड़े लेवल अच्छा होगा मैथ्स का, तो वो करते हैं, लेकिन उसमें लेवल तो इससे भी बहुत ज़्यादा घटिया है। मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल है। अगर आप किसी भी चैप्टर के शुरू शुरू के 2-2, 3-3 क्वेश्चंस भी कर लोगे ना, तो एमपीएसआई का मैथ्स तो पिछले साल के अगर हिसाब से आया है तो आपका कवर हो जाएगा। लेकिन जो एमपी कांस्टेबल है उसका मैथ्स थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, मतलब उसकी तुलना में, हालांकि लेवल तो इसका भी नहीं है इतना, लेकिन उसकी तुलना में ये थोड़ा ठीक लेवल का है। तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब हाँ, एमपीएसआई वाले कमेंट करेंगे कि सर वो बंद क्यों किया, तो एमपीएसआई वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि इतना सिंपल मत पढ़ो, एमपीएसआई इतना भी इजी नहीं देगा। आप वो तो 2017 था, गलती हो गई होगी उनसे, अभी 2019 चल रहा है, ठीक है। तो 2 साल बाद लेवल काफ़ी बढ़ चुका होगा, अब तो एमपीएसआई जो कांस्टेबल का लेवल है शायद ये एसआई का हो जाएगा, और कांस्टेबल का लेवल तो और बड़ा हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो एमपीएसआई वाले भी ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उनको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी मैथ्स में। तो देखिए, अंकों, इन सब से 5 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। मैंने एक वीडियो बना दी है इस पर, ठीक है, 1 घंटे की वीडियो बनाई है, उसको आप देख लोगे तो फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसी के अलावा मैंने ये प्रायिकता की जो प्रोबेबिलिटी की है, इसकी भी एक वीडियो बना दी है मैंने। तो प्ले लिस्ट में जाइए, एमपी कांस्टेबल की प्ले लिस्ट, एसआई की नहीं, कांस्टेबल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर जितने भी पेपर सॉल्व कराए हैं, जब उनको स्क्रॉल करते नीचे जाएंगे आप, तो एक प्रायिकता की वीडियो मिलेगी, एक आपको मिलेगी बहुपद की, ठीक है, पॉलिनोमियल की, एक मिलेगी क्रमचय संचय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, इसके अलावा एक मिलेगी आयु की, एजेस की, ठीक है, एक रीजनिंग का पोर्शन है। तो रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे मैंने सिलोजिज्म जो आता है बहुत नंबर का आता है, 5 नंबर का लगभग हर पेपर में आता है, मैंने कवर नहीं किया इसमें, वो मैंने करवा दिया है, ठीक है, नंबर सीरीज करवा दिए मैंने, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैंने सारे करवा दिए, बाकी जितना भी मैंने कवर नहीं किया है वो बिल्कुल बेसिक है, हर कोई कर लेगा उसको, ठीक है। तो जो टफ लेवल के क्वेश्चंस हैं मैं उनको करवा रहा हूँ इस वीडियो में, हालांकि बेसिक्स भी लिए हैं, सारे क्वेश्चंस तो सारे लिए हैं, तरीके बता दूंगा, करना आपको खुद को है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी की वीडियो आप उस वीडियो को देखोगे तो वहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ये नया क्वेश्चन आया है, चंदर एक बस द्वारा शहर ए से बी की यात्रा करता है, तो ए से बी तक कोई चंदर है जो यात्रा करता है, यात्रा पर 348 रुपये खर्च करता है, यदि उसके पास 754 रुपये है तो उसी रास्ते से शहर बी से शहर ए तक वापस लौटने पर और किसी अन्य वस्तु पर व्यय नहीं करने पर उसके पास कितने रुपए बचेंगे। देखो, उसको ए से बी तक जाने का 348 रुपये लगता है, तो आने का भी 348 ही लगेगा ना, कम थोड़ी हो जाएगा, ठीक है, और टोटल उसके पास इतना रुपया है, तो 754 में से घटा दो आप 348 प्लस 348, तो 300 और 300 लगभग 600, और ये हो गया 8 और 8 16 की 6 3 4 4 4 8 और 1 9 696, 754 में से 696 घटाएंगे लगभग, तो ये लगभग 700 है, तो 754 के आसपास कोई नंबर है 58, तो देखिए 58 हो गया आपका आंसर यहाँ। देखो, आयु, आयु पे मैंने एक वीडियो बना दी है, वो आप देख लेना, ठीक है, आयु के क्वेश्चंस कवर नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि टाइम एंड वर्क, ये जो क्वेश्चन आ गया टाइम एंड वर्क का, मैंने टाइम एंड वर्क की एक वीडियो कंप्लीट कर ली है सिर्फ एमपी पुलिस के लिए, ठीक है, तो एमपी पुलिस के लिए ही मैंने टाइम एंड वर्क की एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बिल्कुल 0 लेवल से बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस, पीओ लेवल तक के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में, जिसमें मैंने 25 से 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं उसमें, अगर उस वीडियो को देख लोगे आप तो टाइम एंड वर्क चाहे एसआई में आए चाहे कॉन्स्टेबल में आए, आपका वहां से क्वेश्चंस बाहर नहीं होगा, तो उसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है, उस वीडियो को। तो टाइम एंड वर्क भी फिलहाल छोड़ रहा हूँ मैं, 1 या 2 दिन में मैं उसकी भी वीडियोज दे दूंगा आपको। चलिए, एक पार्टी में 200 मेहमान हैं, ये 200 मेहमान हो गए, अब इनमें से 60% शाकाहारी भोजन किया, 50 ने मांसाहारी भोजन किया और 30 ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों किया, ठीक है। तो देखिए, एक काम करते हैं, मान लो
शाकाहार और मांसाहार दोनों भोजन किया, तो भोजन करने वालों की संख्या निकाल लेता हूँ, ठीक है। मान लो 30% ने दोनों किया, ठीक है, ये शाकाहारी है, ये मांसाहारी है, ठीक है। अब इसके अंदर देखना, 60% ने शाकाहारी किया, तो 60% ने शाकाहारी में से 60 में से 30 ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं इस सर्कल के अंदर, तो 30 और बचा, तो ये लिख दिया 30 और 30 हो गया 60 पूरा शाकाहारी। अभी बोल रहा है 50% ने मांसाहारी भोजन किया, तो 50 में से 30 में यहाँ लिख चुका हूँ, तो बचा कितना 20, तो कुछ ना कुछ खाने वाले कितने हो गए 30 और 30 60 और 20 80, मतलब 80% लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी या शाकाहारी खाते हैं। ये बोल रहा है पार्टी में कितने लोगों ने भोजन नहीं किया, तो 80% लोगों ने तो कुछ ना कुछ खाया है, या तो शाकाहारी या मांसाहारी है, ठीक है। लेकिन जो 100 में से 80% कुछ ना कुछ खाते हैं, इसका मतलब 20% लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, ठीक है। तो 200 लोग है टोटल, तो 200 का 20% निकाल लो, 20 से 20 20 गुना 40 लोग ऐसे हैं उस पार्टी के अंदर जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया, ठीक है। तो 40 हो गया यहाँ पे आपका आंसर, 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या, ठीक है। चार अंकों की ये सारी संख्याएं हैं जो दो से भी कटे, 3 से भी 4 से भी 5 से भी 6 से भी, ठीक है। तो अगर सबसे बड़ा रूल बताओ इनको कि इन सबसे कटने वाली चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इन सबसे कटने वाली संख्या इनका एलसीएम होगी, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम। तो देखो सबसे बड़ा नंबर ले लो 6, फिर उसके बाद ले लो 5, फिर उसके बाद अगर 4 लोगे तो 4 के अंदर देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 4, तो ये 2 तो एक तो आ गया इसके अंदर, एक दो और लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर 3, 3 इस 6 के अंदर आ गया, ये जो 2 है वो 2 भी हम लिख चुके हैं, मतलब 6 × 5 = 30, 30 × 60, इसका एलसीएम कितना आ गया 60। वो नंबर ढूंढ लो जो 60 से कटता, आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए ये तो पीछे 0 आ ही नहीं रहा, इसमें तो ये नहीं कटेगा, बचा हुआ ये नंबर है ये और ये है, ठीक है। अब 6 देखो 60 का एक एक जीरो से एक एक जीरो तो कट गए, मतलब ये 60 से डिवाइड करोगे सबको तो कट जाएंगे ना ये। अब बचा कितना 6, अब 6 से नंबर कटने वाला नंबर ढूंढ लो, तो 1 और 8 हो गया 9, 9 और 9 = 18, 18 क्या 6 से कटता है, 6 × 18 हाँ कटता है, ठीक है। इसका मतलब 6 से कटने का रूल क्या है, तो 2 से भी कटे वो 3 से भी कटे, अरे 6 का मतलब क्या होता है, 6 मतलब होता है 3 × 6, जो 3 से भी कटे 2 से भी कटे। लेकिन देखो यहाँ पे ये एक जो है एक विषम संख्या है, और विषम संख्या 2 से नहीं कटती है, यहाँ पे देखिए 7 एक विषम संख्या है जो 2 से नहीं कटती है, बचा हुआ यही नंबर है, तो 9 और 9 = 15, 15 और 9 कितना हो गया 24, क्या 24 6 से कटता है, हाँ कटता है, क्या 24 3 से कटता है, हाँ कटता है, क्या 24 2 से कटता है, हाँ कटता है, ऑप्शन हो गया आपका आंसर, ठीक है। 12 विद्यार्थियों वाली कक्षा की औसत आयु 24 साल है, तो देखो 12 विद्यार्थियों की एवरेज एज है 24 साल, 22 और 23 आयु के दो विद्यार्थी कक्षा छोड़ देते हैं, तो एवरेज कम हो जाएगा ये पक्का है, ठीक है। अब एवरेज कितना कम हो जाएगा ये देखना है। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि 12 विद्यार्थियों की एवरेज आयु 24 साल है, अगर 22 साल और 23 साल आयु के दो विद्यार्थी कक्षा छोड़ देते हैं तो कक्षा की एवरेज आयु क्या हो जाएगी। देखो 12 विद्यार्थी की एवरेज, देखो दो तरीके से कर सकते हैं इसको, एक सीधा कर सकते हैं, एक आप तरीके से बिल्कुल कर सकते हो। देखो 12 लोगों की एवरेज आयु है 24 साल, तो कितना हो गया 12 चुके 48 की 8 4 बचा, 12 दुना 24 और 6 24 और 4 कितना हो गया 28, 288 साल के सारे लोग हैं 12 विद्यार्थी, इनमें से दो लोग चले गए कितने साल के, 2, 2, 4 और 1, 5, 45 साल के लोग चले गए दो, ठीक है। तो बचे कितने, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 4 गया तो 4 और 2, 243 बचा, ठीक है। दो विद्यार्थी छोड़ गए तो बचे कितने, अब 10 विद्यार्थी, तो 10 का एवरेज कितना है, तो 10 से भाग दोगे तो 24.3 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन सेकंड हो गया हमारा यहाँ पे आंसर, आई थिंक बेस्ट तरीका था यही। 40 45 40 विद्यार्थी हैं, उनके एवरेज अंक इतने 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 हैं, तो संयुक्त अनुभागों का औसत अंक कितना है। देखो 40 विद्यार्थियों ने 70 अंक प्राप्त किए, प्लस 45 विद्यार्थियों ने 65 अंक प्राप्त किए, प्लस 40 विद्यार्थियों ने 80 अंक प्राप्त, ये सारे जो है वो टोटल विद्यार्थियों का अंक है टोटल, और विद्यार्थी कितने हैं 40 और 40 80 और 40 120 और 5 125, तो आप इसको सोल्व कर लेना 125 से डिवाइड कर देना, ठीक है, तो आपका एक आंसर आ जाएगा, ओके। ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। यदि एक संख्या का 15%, तो मान लो कोई संख्या है एक्स जिसका 15% 1225 के 60% का एक चौथाई है, तो 1225 का 60% का एक चौथाई है, देखो तो 100 से 100 कट गया, 15 से 60 कटेगा, 15 चौके 60 और 4 से 4 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1225, ये हो गया आपका आंसर। ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं, बी सी 24 दिन में, सी ए 20 दिन में, वे सभी एक साथ 12 दिनों तक कार्य करते हैं जब तक बी और सी नहीं छोड़ देते हैं,
तो कार्य को समाप्त करने के लिए ए को कितने और दिन लगेंगे? तो देखो सिंपल क्वेश्चन है यार ये, है ना, ये भी आप उस वीडियो में देख लेना टाइम एंड वर्क की जब मैं करवाऊंगा आप, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, ए बी बी सी सी ए का निकाल लेना, एलसीएम 30 24 और 20, मतलब 30 चौक 120, 24 पंजे 120, 20, हाँ 120 एलसीएम आ गया इसका, ठीक है। 120 आ गया तो 3 चौक 12, 4 पंजे 24 पंजे 120 और 20 किया 60, 3 4 5 मतलब ये हो गया 3 6 4 10 5 15, 15 का आधा 7.5, मतलब 7.5 आ गया इनका पर डे वर्क, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना 12 से, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, जब आप उस वीडियो को देखोगे ना तो पक्का करने लग जाएंगे, तो आप उस वीडियो को पक्का देखना, ठीक है। चलो यहाँ से सवाल अच्छे अच्छे बताता हूँ मैं आपको। कर्नाटक एक्सप्रेस 6:30 बेंगलोर से दिल्ली के लिए निकलती है, देखो ये बेंगलोर है और ये दिल्ली है, यहाँ पे यहाँ से एक ट्रेन है जो यहाँ के लिए निकलती है, 6 बजे निकलती है बेंगलोर से दिल्ली, है ना, तो ये 6 बजे निकली यहाँ से सायं, ठीक है। तो और 80 की स्पीड से चलती है, तो इसकी स्पीड कितनी है, 80 km/h इधर चलती है। राजधानी एक्सप्रेस उसी समय दिल्ली से बेंगलोर के लिए निकलती है, तो दिल्ली से बेंगलोर के लिए एक और ट्रेन निकलती है 120 km/h की स्पीड से, और दिल्ली से बेंगलोर के बीच की दूरी 3000 है, तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलने से पहले कितना समय लेंगी? तो देखिए मिलने से पहले कितना समय लेंगी, उनको दूरी ट्रेवल करना है 3000 किलोमीटर की, ठीक है। और ये चलती जाना कितना है, कुल दूरी 3000 बटे कुल चाल कितनी हो गई, विपरीत दिशाएं चालें जुड़ जाएगी, 12 और 8 कितना हो गया 20, 200 की स्पीड से चल रही है दोनों, 80 की है 120 की है, बहुत जल्दी से आएगी, 2 0 से 2 0 कैंसल, और 2 से 30 कटेगा 15 बार, मतलब 15 घंटे में वो ट्रेनें एक दूसरे को मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों ने टोटल 15 घंटे तक चले हैं दोनों, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल, यदि एक संख्या दूसरी का 80% है, तो देखो 16 20 का 80% है, 4 4 16 4 5 20, ठीक है, 2 4 6 8 10, हाँ ये भी 40% है, सॉरी 80%, ये भी 80%, देखो 80% तो तीनों हैं, ये बोल रहा है उनके वर्गों का योग 164 है, तो देखो 16 का स्क्वायर तो 256 हो गया, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, अपने को तो 164 चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 10 देखो 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 100 और 64 164 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, तो सेकंड आंसर हो गया। मैंने अपनी बचत का 3/5 भाग खर्च कर दिया और अभी मेरे पास 2000 रुपये बचे हुए हैं, देखो बचत का 3/5 खर्च कर दिया, तो बचत का अगर 3/5 खर्च कर दिया तो बचत का 2/5 बचा हुआ है उसके पास, अगर 5 में से 3 खर्च कर दिया तो 5 में से 2 बचा हुआ है, मतलब 2/5 भाग बचा हुआ है, और वो बोल रहा है 2000 बचा हुआ है, तो 2 से 2000 कट गया 1000 बार, और इस 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5000, मतलब उसकी बचत कितनी थी, 5000 रुपये की थी, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रोहित ने एक टेप रिकॉर्डर 1500 में खरीदा, 1800 में बेचा, 300 रुपये का फायदा 1500 पे, तो 100% कितना? ये बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है टाइम एंड इसका प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। 20% हो गया आपका आंसर। ये देखो ये इसका क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 16 SP बराबर है 17 CP, तो SP/CP बराबर हो गया ये 17/16, 16 रुपये में कोई चीज़ खरीदी 17 में बेची, 1 रुपये का फायदा 16 पे, 100% कितना होगा, तो 16.16%। अब बताओ मेरे को, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अब कई लोग कमेंट करते हैं सर खुद ही पढ़ रहे हो क्या, हमको कब पढ़ाओगे क्या है, ठीक है। तो देखो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, ये जो क्वेश्चन है अगर आपको इतना भी नहीं आता है तो फिर सोचो ही मत आपकी MBA पुलिस की एग्जाम देना है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीजें है यार। अगर इतना भी अगर आपको नहीं आता, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहला क्वेश्चन है आई थिंक, ये सबसे पहले जो टाइप के होते हैं ना, बिल्कुल बेसिक बेसिक से जो बोला है वो लिखते जाओ। 15 बोतलों का विक्रय मूल्य, तो 15 का सेलिंग प्राइस बराबर 17 के क्रय मूल्य के, तो 17 के क्रय मूल्य के बराबर है सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस किया, ये आया। तो ये चीजें तो यार अब थोड़ा सा तो ठीक है। एजेस देखो, ये फिर से आयु का क्वेश्चन आ गया, मैंने एक वीडियो बना दी है आप उसको जरूर देख लेना। एक वर्ग बनाने में प्रयुक्त तार से एक वृत्त बनाया गया, देखो एक वर्ग बनाने में प्रयुक्त जो तार हुआ था उससे एक वृत्त बनाया गया, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 121 था तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो एक वर्ग बनाया गया था जिसका एरिया था 121, तो सारी साइड्स 11 11 11 11 की थी, क्योंकि 11 का स्क्वायर ही होता है ना 121, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर, तो ये 11 11 11 11 44 का, मतलब 44 मीटर लंबा तार था वो, ठीक है। तो इसकी परिधि हुई है हमें वृत्त की,
वृत्त की परिधि को ही कहते हैं ना, ये वाली पूरी लाइन उस तार को मोड़ के हमने इसे गोल बना दिया, मतलब ये जो तार है इसकी लंबाई दी है 44, तो इस लंबाई को वृत्त में क्या कहते हैं, इसकी परिधि, और परिधि क्या होती है 2πr, और वो कितना दिया है 44, तो 2 इंटू पाई दिया है 22/7 इंटू रेडियस 44, तो रेडियस कितना आ गया 7, ठीक है 22 × 44 से 44 कट गया तो 7 उधर चला जाएगा, तो रेडियस आ गया 7, हमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, तो पाई 22/7 गुना आर स्क्वायर 7 × 7, 7 से 7 कट गया 22 × 7 = 154, ठीक है तो ऑप्शन 3 हो गया हमारा आंसर। एक दल ने 10 मैच जीते 4 मैच हारे, देखो 10 वॉन 4 लॉस, ठीक है अब ये बोल रहा है यदि ये मैच खेले गए मैचों का 70% है, मतलब टोटल कितने मैच खेले हैं 10 और 4 = 14 मैच, ठीक है 14 मैच, तो ये जो है 14 का 70%, तो 14 मैच 70% की वैल्यू हो गई, तो 100% पूरे मैच कितने थे, तो 14 × 5 = 70, 5 × 10 20 मैच टोटल खेले उन्होंने, ठीक है अब ये बोल रहा है 20 में से अगर 10 जीत गए, देखो यहाँ पे एक चीज और समझना, ये बोल रहा है कि तो दल को कितने ओवर में जीतना चाहिए कि 75% जीत का रिकॉर्ड हो जाए, मतलब अगर 75% जीत का रिकॉर्ड बनाना है तो टोटल 20 मैच है, तो 20 का 75% निकालना है मतलब 3/4, तो 4×5=20, तो 5×3=15, मतलब 15 मैच जीतने पड़ेंगे, अभी 10 ही मैच जीते हैं सिर्फ, चीजें समझ में आ रही ना, तो 10 मैच जीते हैं और टोटल 15 मैच जीतना है, तो कितने मैच जीतना और बाकी है, 10 मैच जीते हैं 15 जीतना है, 5 मैच और बाकी है ना, 5 हो गया आपका आंसर यहाँ पे। 3 अंकीय महत्तम संख्या, महत्तम मीन्स क्या होता है पता है आपको, ग्रेटर नंबर, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है महत्तम, मतलब एचसीएफ में ढूंढने लग जाना उनका, लघुत्तम देख के एलसीएम मत निकालने लग जाना, यहाँ पे बोल रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 को जोड़ने से क्या आएगा, ऑप्शन सेकंड आएगा, ठीक है ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला नंबर देखते हैं 27, क्या कह रहा है, एक चींटी फिसलन वाली ढलान पर चढ़ने की कोशिश करती है, हर घंटे में वो 5 मीटर चढ़ती है, ठीक है और लेकिन अगले आधे घंटे में 3 मीटर फिसल जाती है, इसका मतलब एक घंटे में 5 चढ़ती है तो 5 चढ़ गई, और अगले घंटे में मतलब आधे घंटे के बाद फिर वो कितने नीचे खिसक जाती है 3, मतलब टोटल 1.5 घंटे में कितना चढ़ गई, 2, सिर्फ 2 ही चढ़ पा रही है, उसको चढ़ना कितना है 13, ठीक है ना 13 चढ़ना है उसको, तो एक काम करो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 कितना हो गया 12, या एक काम करो इसको 12 करने की बजाय सबसे पहले हमें 13 चढ़ना है ना, तो 13 में से जितना चढ़ने वाला नंबर है वो घटा दो, क्योंकि ये आखिरी बार में चढ़ जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है ना, तो प्लस का 5 जब भी दिया हो ना, जितना वो आखिरी बार में चढ़ता है उसको हमें घटाना है। अब ये क्यों घटाना है मैं बताता हूँ, देखो मैंने एक वीडियो बनाई है बंदरों की चढ़ाई संबंधी, सर्च कर लेना आप ठीक है यूट्यूब पे, मेरी वीडियोस आ जाएगी उसको आप देख लेना, 3-4 क्वेश्चन इसके जैसे कराए हैं मैंने सारे, इसके जैसे सारे लेवल के बंदरों की चढ़ाई पे, ठीक है तो उसमें पता चलेगा आपको एक्चुअली कैसा होता है ये। देखो बंदर यहाँ पे चढ़ा, एक पोल है यहाँ पे चढ़ा, अगले मिनट खिसक गया तो यहाँ आ गया, फिर यहाँ चढ़ा, फिर अगले मिनट यहाँ आ गया, फिर यहाँ चढ़ा, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ चढ़ा, फिर यहाँ आ गया, ऐसे कर करके, और मान लो आखिरी बार चढ़ रहा है यहाँ से, तो आखिरी बार तो चढ़ जाएगा ना, फिर थोड़ी खिसकेगा, मतलब आखिरी बार नहीं खिसकेगा, तो आखिरी बार का जो टाइम है उसको घटाते हैं हम, 13 में से 5 गया तो 8, उसको मतलब ये है हमारा कि उसको सिर्फ हमें 8 मीटर चढ़ाना है, ध्यान रखना, तो 8 मीटर चढ़ाएंगे तो 8 कब आएगा, जब 2 में मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4 का दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 × 8 आ गया 8 मीटर, और 15 × 4 कितना हो गया 60, मतलब 6 घंटे, तो 6 घंटे में वो 8 मीटर चढ़ चुका है, अगर एक और घंटे उसको चढ़ाएंगे तो 1 घंटे में कितना चढ़ता है वो 5, तो अब 5 चढ़ जाएगा अगर, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, मतलब 6 और 1 कितने लग गए 7 घंटे, तो 7 घंटे में 13 मीटर कंप्लीट चढ़ जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है अगर नहीं समझ में आया हो, देखो कई बार नया कंसेप्ट होता है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, तो बंदरों की चढ़ाई संबंधी प्रश्न हमारा जो डाउट सेशन है, उस डाउट सेशन के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डाउट से लिए हैं आपके, पहले काफी लोग आप पूछते थे हमसे, तो उनका मैंने वीडियो बनाया भी है बहुत सारे क्वेश्चंस का अच्छे लेवल के, ठीक है तो सारी वीडियोस एक बार देख लेना वो। चलो
एक रेलगाड़ी 8 मिनट में 10 किलोमीटर जाती है, तो देखो 8 मिनट में 10 किलोमीटर जाती है। यदि इसकी गति 5 बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी मतलब 10 किलोमीटर ही जाने में कितना समय लगेगा? तो देखिए सबसे पहले तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देते हैं। 8 मिनट दिया है और ये 10 दिया है, तो एक काम करो इसको 60 करना है हमें, तो 60/8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 60/8 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 8 से 8 कट गया, 60 मिनट आ गया ये, और इसको आप 2 से काटोगे तो 2 चौके 8 और 2 से काटोगे ये 30, ठीक है, 2 दूना 4 और ये कटेगा 15 बार, तो 2 5 10 तो 15 5 कितना आ गया 75, मतलब 75 किलोमीटर जाएगा 60 मिनट में। इसकी स्पीड कितनी आ गई, मतलब 75 किलोमीटर और 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटे में 75 किलोमीटर, मतलब 75 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी। अब ये बोल रहा है 5 अगर उसकी स्पीड बढ़ जाए तो कितनी हो जाएगी उसकी स्पीड, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो बोल रहा है उसी दूरी को जाने में कितना समय लगेगा, 10 किलोमीटर जाना है 80 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, तो 60 से डिवाइड कर दो इसको। अब 60 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि जो ये आएगा वो घंटे में आएगा और हमको बदलना है मिनट में, ठीक है, तो मिनट में बदलने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। अब ये देखो 600 हो गया, तो 600/8, 0 से 0 कट गया, और 8 6 48, 8 7 56, तो 8 7 56, 57 58 59 60, 4 बचा, 8 5 40, 7.5 मिनट, ऑप्शन 3 हो गया हमारा आंसर। ये फिर से आयु का आ गया है, वीडियो देख लेना आप, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन दिया है, यदि ए अनुपात, बी समानुपात, 3:7, ये जो 4 रेशो आ जाते हैं ना इसको पढ़ते हैं समानुपात। समान अनुपात मतलब बराबर, ठीक है, मतलब मैं इसकी जगह बराबर लगा सकता हूँ, हमेशा ध्यान रखना समान अनुपात मतलब ये दोनों समान रेशो में है, इसका मतलब बराबर रेशो में है, ठीक है ना, तो समानुपात को बराबर ही लिखते हैं। तो ए अनुपात बी मतलब होता है ए बटा बी, बराबर कितना दिया है 3/7, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 7 है, यहाँ पे वैल्यूज रख दो, ए की जगह 3 रख दो तो 5 किया 15 प्लस 6 बी, 6 7 42, 42 अपॉन ए माइनस 2 बी, तो ए मतलब 3 माइनस 2 बी, तो 2 × b, 2 7 14, ठीक है, ये कितना हो गया 5 और 2 7, 4 और 1 5, 57/-11, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा माइनस का 57/11, तो ऑप्शन सेकंड हो गया हमारा आंसर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योमेट्री का आ गया है। दिए गए चित्र में AB इज पैरेलल टू CD, तो AB पैरेलल है CD के, तो ये EF के भी पैरेलल होगा, इस लाइन को आगे बढ़ा दूं अगर मैं तो, ठीक है, मतलब अब CEF 115 है, तो CEF ये वाला एंगल दिया 115, ठीक है, ये वाला एंगल अगर 115 है और BCE ये वाला एंगल दिया है 10 डिग्री का, ये पूछ रहा है ABC बताइए, ABC हमें ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। देखो सिंपल तरीका है, अगर हम देखें तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली, और सरल रेखा पे ये पूरा एंगल बनेगा 180 डिग्री का, 180 में से 115 यहाँ आ गया, ये कितना बचा 65 डिग्री का, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखना ये 65 है, ये 10 है और ये मान लो O है, ठीक है, तो OCE ये एक त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, ये 65 और ये 10 75, तो ये कितना बचा 75, तो ये 105 बचा, ठीक है। अब ये भी एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा पे ये वाला एंगल भी 180 का बनेगा, ठीक है, तो ये 180 बनेगा, अंदर 105 बना हुआ है, तो ये कितना बचेगा 75 डिग्री का, और हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा काट देती तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो एक तिर्यक रेखा है ना ये वाली, तो यहाँ पे ये वाला एंगल मतलब मैं अगर थोड़ा आपको पॉइंटेड करके दिखाऊं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल हमें गिवन है 75, तो ये वाला एंगल जो बी पूछा है ABC के अंदर वो भी कितना हो जाएगा 75, ठीक है। देखिए यहाँ पे यदि ये दिया है और इक्वल टू ये है तो एक्स का मान पूछा है हमसे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 11/13 है, यहाँ 13/11 हो गया, मतलब उल्टा हो गया है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर कुछ उल्टा होगा, मतलब अगर हम इसको सिंपलीफाई करें अगर, तो देखो ये कहना चाह रहा है कि 11 का भी स्क्वायर / 13 का भी स्क्वायर / 13 का क्यूब / 11 का क्यूब,
देखो 11 स्क्वायर से ये क्यूब हट जाएगा तो 11 बचेगा, या 13 स्क्वायर से ये क्यूब हट जाएगा तो 13 बचेगा, मतलब कितना बचा, 13 बटा 11 की पावर सिर्फ 1 बचा है। इक्वल टू कितना है, 11 बटा 13 की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, इसको मैंने ऊपर ले लिया और इसको मैंने नीचे कर दिया, तो इसकी पावर 1 थी, उसकी भी पावर 1 है, तो ये नीचे आएगा तो ये भी माइनस का, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का, मतलब दोनों की पावर जो है 11 बटा 13 की वो कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव 1। ठीक है, इक्वल टू 11 बटा 13 की पावर कितनी दी है, 2x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2x प्लस 1, पावर पावर इक्वल रख दी मैंने क्योंकि बेस सेम है इनका। ठीक है, तो ये माइनस का 1 इधर आएगा तो सॉरी प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 ऑलरेडी है, और ये एक माइनस का 1 इधर आ गया, इक्वल टू कितना है, 2x। तो माइनस 1 और माइनस 1, माइनस का 2 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1। ऑप्शन सेकेंड होगा हमारा आंसर इसका। चलिए, दिए गए चित्र के अंदर ओ वृत्त का केंद्र है यदि CBD 42 है, CBD 42 डिग्री है, ये वाला एंगल 42 डिग्री है। तो देखो सबसे पहला काम ये होता है किसी भी सवाल को करने का, हमें एंगल AOC बताना है। ठीक है, AOC कितना होगा? देखो AOC ये एक्सटर्नल एंगल है, मान लो जैसे AC एक चाप हो गया पूरा। ठीक है, अगर इस चाप पे जो केंद्र पे बना कोण होगा वो उसकी परिधि पे बने कोण का क्या होगा, डबल होगा, परिधि पे बने कोण का डबल होगा ना, किसी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण उसकी परिधि पे बने कोण का डबल होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन देखो यहाँ पे यही वाली है ना, ये तो यहाँ पे अगर 42 डिग्री बना है, मैंने आपको जो है वो जब सर्कल की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी बताई है उसमें मैंने आपको समझाया है कि अगर ये ट्राइंगल है, किसी सर्कल के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है हमेशा। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि ये एक स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा पे और सर्कल की एक साइड पे, ट्रायंगल की एक साइड पे जो बाहर एक्सटीरियर एंगल बनता है वो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है वो। ठीक है, वो उसके अंदर के अभिमुख कोण के बराबर होता है, जैसे कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल है 42 डिग्री, तो यही एंगल इसी सरल रेखा पे जाने वाले एक अगले पॉइंट से मिलने वाले पॉइंट के बराबर होगा। मतलब ये 42 यहाँ पे नहीं होगा, ये 42 यहाँ पे होगा। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। अब ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बता सकता। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी देखना पड़ेगी, जब तक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये मैं चीज़ें क्या बता रहा हूँ। तो सर्कल के अंदर स्पर्श रेखा की जो प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर ये कंसेप्ट है। ठीक है, ये आपको डिटेल में वहाँ पे मैंने बताया है, वहाँ पे समझ जाएंगे आप जब उसका क्वेश्चन भी करेंगे। तो किसी जीवा द्वारा या चाप द्वारा परिधि पे बना कोण उसके सेंटर पे बने कोण का आधा होता है, तो ये अगर आधा है तो केंद्र पे डबल कोण बनेगा, तो 42 का डबल कितना हो गया, 84। तो ये वाला AOC पूछा है ना उसने, AOC, हाँ, ये कितना हो जाएगा, 84 डिग्री। ठीक है, चलिए, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 6.8 है तो दूसरी भुजा पहली की 3/2 है। तो देखो पहली भुजा दी हुई है 6.8 और दूसरी भुजा जो है वो 6.8 की, मतलब पहली भुजा के 3/2 गुना है, तो 2 से इसको 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 = 12, 2 × 1 = 3, 3 × 9 = 10, 10.2 है। अगर मान लो एक समांतर चतुर्भुज ये बना हुआ है, ठीक है, एक साइड 10.2 है, दूसरी साइड 6.8 है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भी 10.2 होगी, ये भी 6.8 होगी, तो 10.2 और 10.2 20.4। ठीक है, 6.8 और 6.8, 8 और 8 16 की 6, 6 × 6 = 12 और 1 = 13, इनको जोड़ दो, 6 × 4 = 10, 0 = 1, ये 4 × 2 = 1 = 3, 34, तो 34 हो गया यहाँ पे हमारा इसका आंसर। ये जब उपयुक्त आंकड़े पाई चार्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं, देखो ये टेबल ग्राफ दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं टेबल ग्राफ। इस टेबल ग्राफ को जब हम एक पाई चार्ट, एक सर्कुलर वे में इसको प्रेजेंट करेंगे, तो ये सेंटर पॉइंट होगा, ओ पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो मैंने बना दिया एक हिस्सा ये ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, ये वाला हिस्सा मान लो ये लैंग्वेज दी हुई है, भाषा हिंदी अंग्रेजी ये सब, और इनमें छात्र बोलने वाले होंगे ये। ठीक है, देखो आंकड़े जब इनको पाई चार्ट में प्रस्तुत करेंगे तो अंग्रेजी भाषा को निरूपित करने वाले अवखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा, अंग्रेजी भाषा, ये रही यहाँ पे अंग्रेजी भाषा बोलने वाले 35 बच्चे हैं,
तो 35 बच्चों को जब आप पाई चार्ट में शो करना चाहोगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब जैसे मान लो ये अंग्रेजी वाले बच्चे हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा अगर 35 बच्चे इसमें आते हैं। तो 35 बच्चों का मतलब ये है कि 360 डिग्री के अंदर 35% कितना होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो 360 डिग्री का अगर पूरा सर्कल है, समझना, 360 डिग्री का पूरा सर्कल है जो कि 100% है पूरा, ठीक है, लेकिन हमें जो हमें तो चाहिए सिर्फ इंग्लिश का परसेंटेज कि इंग्लिश का कौन सा हिस्सा है, तो इंग्लिश निकाल लो। देखो जीरो से जीरो कट गया, 5 × 10, 5 × 35, 2 से काट दो इसको 18, 18 सती कितना होता है 126, है ना, 7 × 56 की 6, 5 × 50, 7 × 7, 5 × 12, तो 126 डिग्री हो गया यहाँ पे आपका आंसर इसका। चलिए ये आपको शायद न दिख रहा हो क्योंकि लैपटॉप में भी बहुत छोटा दिख रहा है मुझे, तो मोबाइल में शायद छोटा दिख रहा हो, तो मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। y माइनस 3 माइनस 4 y अपॉन 8 y माइनस का 2 प्लस 5 y इक्वल टू 7/4 दिया हुआ है, ठीक है। आप पहले इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का माइनस ये हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। आपके सामने इक्वेशंस बन गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें वैल्यू निकाल सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर y की जगह 3 रखोगे, ठीक है, तो इतने देखो ऑप्शन से करोगे शायद टाइम लगे। 4 और 1 वाई कितना हो गया 5y, तो ये 5y हो गया। 8y में से गया 5y, कितना y बचा 3y, ठीक है। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं आई थिंक, है ना, तो बस बराबर में दिया हुआ है कर लो। 3 × 12 प्लस 5 × 20 वाई इक्वल टू 7 × 21 वाई माइनस 7 × 2, ठीक है, तो ये बचा y इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 14, तो y इक्वल टू कितना बचा 2, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन थर्ड हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है। चलिए कितने रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने हो जाएंगे, तो देखो 2 साल में, तो अगर आप ऑप्शन देखो इसको बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। 3600 का 10% निकालेंगे तो 360 होगा, 360 एक साल, दूसरे साल भी 360, तो 720 हो जाएगा। और हाँ, तो देखो 360 पहले साल, दूसरे साल भी 360, और इसका भी 10% 36, तो 720 में 36 जोड़ दो, कितना आ रहा 756, हाँ आ गया, तो 3600 आंसर हो गया। सिंपल है ना यार, बिल्कुल इजी, ठीक है। आप नंबर देखो 360 से छोटा कोई नंबर होता तो फिर हम आंसर ही नहीं बोलते उसको, जैसे कि ये नंबर ऑप्शन होगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 360 लगभग 756 के आसपास जा रहा था और पूरा वही निकल गया एक्चुअली। लेकिन अगर इसके आसपास नहीं जाता तो फिर ऑप्शन कट कर देते हमें इसको, तो सीधा कर सकते हैं हम इसको, या फिर सक्सेसिव लगा लो 10 10 10, 21% हो गया, तो 756 हो गया 121 की वैल्यू, तो 100% निकाल लो आप इसका, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ये इससे आई थिंक 36 बार कटेगा, ठीक है ना। चलो यदि वर्ग का परिमाप 32 है तो इसके विकर्ण की लंबाई बताओ। देखो वर्ग का परिमाप 32 है, वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है, सारी भुजा 8 8 8 होगी, तभी तो 8 × 32 होता है, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4a और वो दिया है 32, तो 4 से 32 कटेगा 8 बार, तभी तो सारी साइड 8 8 आई। इसके विकर्ण की लंबाई बताओ, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2, मतलब कोई भी अगर एक साइड दी हो तो उसमें गुना कर दो √2 का, तो 8√2 हो गया आपका आंसर। एक इवेंट मैनेजमेंट टीम ने 9610 कुर्सियों को वर्ग के रूप में, मतलब इस प्रकार से कुर्सियां लगाना है कि सारी कुर्सियां रखा जाए ऐसे, ये सारी लाइन जो है इसमें कुर्सियां जमी हुई है, ठीक है, और ऐसे ये कुर्सियों को ऐसे लगाना है वर्ग के रूप में, ठीक है, हर एक वर्ग बने, ये सारे वर्ग है अंदर, ठीक है। और उन्होंने पाया कि 6 कुर्सियां एक्स्ट्रा बच गई, तो प्रत्येक पंक्ति में कितनी कुर्सियां लगी थी, तो हर एक पंक्ति कितने की है, इस लाइन में कितनी है और इस लाइन में कितनी है, मतलब 36 और 36 की, 36 की लाइन ये और 36 की लाइन ये, ऐसे कर करके हर लाइन में कितनी कुर्सियां थी। तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, एलसीएम एंड एचसीएफ का कंसेप्ट है, 9610 कुर्सी में से अगर 6 कुर्सियां बच गई तो इसमें लग कितनी गई कुर्सियां, तो 9604, इसका मतलब 9604 कुर्सियां उसमें फिट हो गई और जो 6 है वो एक्स्ट्रा बच गई, तो एक्स्ट्रा से कोई लेना देना नहीं, एक्स्ट्रा को आप नंबर टोटल कुर्सी नंबर ऑफ जो चेयर्स है उनमें से आप घटा दो इनको, ठीक है। चेयर्स घट गई तो 9604 जो है वो फिक्स बैठ गई इधर और इधर का मल्टीप्लाई होने के बाद, वर्ग का क्षेत्रफल है ये, तो ये किसका स्क्वायर होता है बस ये देखना है, 4 का स्क्वायर 16 होता है लेकिन यहाँ पे 4 दिया हुआ है ना, 4 आना चाहिए, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 का 6 आता है लेकिन लास्ट में यहाँ पे 4 आ रहा है, 89 में 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में 1 आता है, ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो गया फिर, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, 4 बचा, पूरा सोल्व नहीं करना है, ठीक है।
समांतर चतुर्भुज का आधार, तो देखिए आधार इसकी ऊंचाई का डबल है। एक समांतर चतुर्भुज है, मान लो ये वाला, ये इसकी हाइट है, ठीक है। और तो ये बोल रहा है इसका जो बेस है, ये बेस उसकी हाइट का डबल है। तो अगर ये हाइट मान लो h, तो इसका ये डबल है ये 2h है, मतलब है ना, ये अगर h है तो ये 2h है, ये x है तो ये 2x है, और एरिया दिया हुआ है इतना। तो आधार बताइए, तो देखो आधार हमें बेस बताना है 2h। तो देखो हम जानते हैं कि किसी भी अगर त्रिभुज के अंदर, चलो त्रिभुज छोड़ दो आप, यहाँ पे देखो अगर किसी भी ट्राइंगल, हाँ मतलब किसी भी चतुर्भुज के अंदर अगर हाइट और बेस गिवन है, तो 1/2 × बेस × हाइट से निकाल सकते हैं हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 × बेस, बेस कितना है 2h × हाइट कितनी है h, ठीक है, और वो कितना दिया है 648, 2 से 2 कैंसिल हो गया, h² = 648, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है ना ये, सॉरी, तो समांतर चतुर्भुज होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये तो 2 से इसको काट दोगे तो कितना बचेगा, ये 324 है ना, h² = ये किसका स्क्वायर होता है 32 का, 32 का स्क्वायर होता है ना 30 का स्क्वायर, सॉरी 18 का है ना, माफी चाहता हूँ, 18 का स्क्वायर होता है ना। अब देखिए 18 का स्क्वायर हो गया, ये बोल रहा है आधार बताइए, आधार कितना है h का डबल है, तो 18 का डबल है 36, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा इसका आंसर। बेलन के आधार की परिधि, बेलन का जो बेस है, ये आधार सर्कुलर है, मतलब एक वृत्त है, तो वृत्त की परिधि 2πr दी हुई है 44, तो r कितना आएगा 7, निकाल लोगे ना, ये देखो 2 × π, पाई कितना होता है 22/7, तो 22 × 44 से 44 कट गया, तो रेडियस उधर जाएगा, तो रेडियस 7 आ जाएगा, और हाइट गिवन है 12 और रेडियस है 7, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है, ये इससे कट गया, 22 × 154, 154 × 12, 12 × 48 = 8, 4 बचा, 12 × 5 = 60, 64 × 4 = 6 बचा, 12 × 12 = 18, 1848 घन मीटर, घन सेंटीमीटर, ठीक है, 1848 हो गया यहाँ पे हमारा इसका आंसर। ये बोल रहा है कि जब इसको 2x² से विभाजित करेंगे तो प्राप्त भागफल की कोटि क्या है। देखो मैंने एक बहुपद पे वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देख लेना पॉलीनोमियल्स के नाम से, ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हैं बहुपद, हिंदी में लिख लेना बाय परफेक्शन अकेडमी, ठीक है, एक वीडियो आएगी उसको देख लेना, सिर्फ एमपी पुलिस के लिए बनाई है, कॉन्स्टेबल और जो एसआई के लिए, ठीक है। और ये बोल रहा है कि भागफल की कोटि बताइए, कोटि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोटि, कोटि को कहते हैं घात, मतलब जब इसको 2x² से इसको पूरे को काट देंगे तो इस भागफल की कोटि, मतलब भागफल की कोटि का मतलब घात नहीं, सबसे बड़ी घात ये होता है कोटि, ठीक है, तो सबसे बड़ी घात इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि वो किस घात का समीकरण बनेगा। तो 4x⁶ को जब 2x² से भाग दोगे, देखो 2 से 4 कितनी भी बार कटे कोई लेना देना नहीं, हमें तो घात चाहिए ना, 2x² से x⁶ को काटोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 4x² बचेगा, और उसकी सर्वोच्च घात, सबसे बड़ी घात कितनी बचेगी, 4। तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको हम दिमाग में कर सकते हैं, 2x⁶, अरे यहाँ भले 120 भी दे देगा, 120 x² से भाग देंगे तो भी क्या बचेगा, तो भी कोटि तो 4 ही आएगी ना, हमें तो घात चाहिए, नंबर थोड़ी चाहिए, ठीक है ना। एक दुकानदार 10% की छूट देता है फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, अगर उसका अंकित मूल्य इतना है तो लागत मूल्य बताओ। देखो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक तरीका समझिए इसका, मैं वन लाइन में आंसर कर सकता हूँ 460 90 की 120 कितना, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट समझना इसका है ना बेसिक से, मतलब जिसमें कभी लागत मूल्य पूछ लेगा, कभी विक्रय मूल्य पूछ लेगा, कभी इसमें छूट पूछ लेगा कितने रुपए की है, तो इसके लिए एक सदाबहार तरीका बताता हूँ, कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये बोल देगा 10% की छूट देने के बाद 30% की हानि, तो सवाल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अंकित मूल्य दे दिया अगर क्रय मूल्य दे देगा तो सवाल चेंज हो जाएगा, वैल्यूज पुट रखना अलग करना, ठीक है, ये चीजें आपको फिर समझ में ना आएगी, इसलिए थोड़ा सा समझने की ध्यान है आपको जरूरत है कि मान लो मार्क्ड प्राइस लिखा तो उस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, और कॉस्ट प्राइस है अगर उससे कोई बड़ी ज्यादा भाव में बेचेंगे या कम भाव में बेचेंगे तो फिर क्या आएगी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर मार्क प्राइस जो है 100 रुपए मान लो, कॉस्ट प्राइस भी 100 रुपए मान लो, तो अंकित मूल्य पे 10% की छूट दी तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 90, अंकित मूल्य से 10 की छूट दी तो 90 में बेचा,
फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तो लाभ कब कमाता है, जब 100 रुपए की चीज को 120 में बेचता है। सिंपल है ना, देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहां देखो ये 9 दिया है, यहां 12 दिया है, सेलिंग प्राइस सेम करना है। तो इसमें काम करो आप, इसको आप 36 कर लो, ठीक है। तो 9 चौक 36, 4 का गुणा कर दो और ये कितना है 12, तो 12 तिया 36, ठीक है। तो 12 तिया 36 हो गया और 9 चौके 36 ही हो गया। तो इस 3 का गुणा यहाँ, तो 10 तिया 30 और 10 चौके 40, 40 36 30 36 आ गया। मार्क्ड प्राइस 40 आ गई, कॉस्ट प्राइस 30 आ गई और सेलिंग प्राइस दोनों केस में कितनी आ गई, 36, ठीक है। अब हमारे सामने है, ये बोल रहा अंकित मूल्य इतना है, हमारे हिसाब से अंकित मूल्य 40 रुपए है। तो 460 हो गया 40 की वैल्यू, जो चाहिए वो निकाल सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये बोलेगा छूट बताइए, तो छूट कितनी दी, 40 से कोई चीज 36 हो गई, 4 की छूट दी, तो आप 4 निकाल सकते हो। ये अगर पूछ रहा है लाभ कितने का हुआ, तो 30 की चीज 36 में बेची, लाभ कितने का हुआ 6 का, तो 6 का मल्टीप्लाई करके निकाल लो, जो चीज चाहिए वो मल्टीप्लाई कर दो। अब ये बोल रहा है लागत मूल्य बताओ, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 30 की वैल्यू पूछी है तो निकाल लो, जीरो से जीरो कट गया। देखो 2 से काट दो इसको 2 बार, ये कटेगा 15 बार, 2 से कटेगा ये 23 बार, तो 15 तिया 45 की 5, 4 बचा, 15 दूना 30 और 4 34, 345 रुपये उसका क्या है लागत मूल्य। सिंपल तरीका है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, रेशो मेथड। इस नंबर का हमें गुणनफल बताना है, तो देखिए ये नंबर एक बार माइनस में दिया, एक बार प्लस में दिया है। तो एक बार इसका स्क्वायर माइनस एक बार इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9x² माइनस 4 का स्क्वायर 16x², ठीक है। इसका मल्टीप्लाई अब करना है इसमें, 9x² + 16y², देखो फिर से सेम नंबर आ गया, बस यहाँ माइनस दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। तो फिर से 9 का स्क्वायर 81 और x² का भी स्क्वायर, तो x^4 माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और y है ना ये, तो y² का भी स्क्वायर, तो y^4, ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन। देखो ये फार्मूला है, a² - b² = क्या होता है a - b × a+b। अभी मैंने जो एलजेब्रा करवाया है उसमें मैंने ये चीज़ें समझाई है, आप देख लेना। तो ये कॉन्स्टेबल का हमारा आज का पेपर खत्म हो गया है, जिसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए, लगभग 40 क्वेश्चंस तो कवर किए ही हैं इसमें, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आपको और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए स्पेशली, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो आप ज़रूर कमेंट करें, हम सोचेंगे। अगर हमें लगता है कि हाँ इसमें वास्तव में आप सभी लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम उस पर एक पर्सनली एक मतलब अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए कमेंट जरूर करिएगा, उससे क्या है हमें हौसला बढ़ता है ना, हमारा हौसला भी बढ़ता है, हमें भी अच्छा लगता है कि चलो कोई वीडियोस देख रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।